नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या जो सिविल मामले होते हैं क्या उनमें FIR हो सकती है, यानी जो सिविल प्रकार के मामले होते हैं क्या हम उसमें FIR करवा सकते हैं, आज इस बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं यानी पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो सिविल मामले होते हैं क्या उसमें FIR हम करवा सकते हैं, तो इस बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे जो सिविल मामले होते हैं सिविल नेचर के, उनमें सिविल सूट करना होता है, सिविल में ही केस फाइल होता है, सिविल सूट कहते हैं उसको। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जिसके द्वारा आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, यानी क्रिमिनल कंप्लेंट भी कर सकते हैं, जो CRPC के सेक्शन 200 में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, वो कौन कौन से मामले हैं इस बारे में बात करते हैं। फ्रेंड, जैसे IPC का 491 मामला है, 491, जिसमें जो बात करता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, यानी जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कोई संविदा को भंग करता है, उसका पालन नहीं करता। जैसे कोई भी अस्पताल है और उसमें कोई भी डॉक्टर नियुक्त है, जो प्राइवेट डॉक्टर है नियुक्त है, और उसको ये कहा गया कि वो जैसे डॉक्टर मौजूद नहीं है तो वो इलाज करेगा किसी भी पेशेंट का, और वो अपने जो कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो क्योंकि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दोनों समझौता हुआ कि वो इलाज करेगा, और वो इलाज नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं उनके ऊपर 491 का मामला दर्ज होगा, यानी 491 IPC लागू होगी, और ऐसे व्यक्ति को 3 महीने की जेल हो सकती है। और दूसरा फ्रेंड्स मामला है जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं, जैसे किसी व्यापार को करने के लिए आपने किसी व्यक्ति को चेक दिया और वो डिसऑनर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो धारा है 138, उसमें मामला बनेगा ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो क्रिमिनल मामला है, और ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। वही तीसरा मामला फ्रेंड्स है जो मानहानि का होता है, यानी डिफमेशन का होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की लिखकर या बोलकर या सोशल मीडिया या पेपर पर किसी तरीके से किसी व्यक्ति के जो मतलब इंटेंशनली जानबूझकर किसी व्यक्ति की मानहानि करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो IPC में बताया गया है 499 में, ऐसे व्यक्ति को सज़ा दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जो सिविल मामले होते हैं वो उनके लिए सिविल सूट दाखिल होता है, लेकिन कुछ मामले होते हैं जो एक्सेप्शन हैं जिनके मामले में क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चलती है। तो जो मैंने बताया फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद।